ब्लड के चार कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. कैन यू नेम अ फ्यू प्लाज्मेटिक प्रोटीन्स? द प्रोटीन्स विच आर इमर्ज इन द प्लाज्मा. हेमोग्लोबिन इज नॉट इन प्लाज्मा. ये जनरल नॉलेज है. Name the proteins which are present in plasma. Hemoglobin is a protein associated with the RBC. यहाँ पे hemoglobin होता है. और prothrombin. Prothrombin is present already here. और fibrinogen. Fibrinogen is also present here. तो ये चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और बाकियों में कन्वर्ट हो जाएंगी. बच्चे दोज़ हू डोंट वांट टू स्टडी दे कैन प्लीज लीव द रूम. हाँ जी, यू कैन प्लीज गो आउट. सो प्लाज्मा हैज द वाटर अलोंग विद ऑल द सेल्स विच आर इमर्ज इन इट. ठीक है, थ्रोम्बिन इसमें कन्वर्ट होके बनता है. प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट होगा, फिर थ्रोम्बिन बनेगा. वो ऐसा नहीं ना प्रेजेंट है, बनेगा बाद में, सिंथेसाइज होगा. ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको क्लियर होनी चाहिए. प्लाज्मा जो है यहाँ पे फ्लूइडी मटेरियल है, बाकी सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं उसके, फॉर्मड एलिमेंट्स बोलते हैं हम इनको. दैट आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, अब इसके केस में जो आरबीसीज हैं उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. हीमोग्लोबिन हैज एफिनिटी फॉर व्हाट? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड. वेरी नाइस. Affinity means that is it has a bonding capacity. ठीक है, bonding capacity. Which of these components has a special specific life cycle? RBCs. What is the life cycle? 120 days. After 120 days, where does it die? After 120 days, where does the RBCs die? ग्रेवियार्ड कौन सा ऑर्गन है? स्प्लीन. वेरी नाइस. स्प्लीन इज अ ऑर्गन दैट विच एक्ट्स एज द ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी. यह आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गन इज द ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी. साइलेंट क्लास. स्प्लीन नियर द स्टमक, बिहाइंड द स्टमक. ठीक है, दैट इज स्प्लीन. ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी है. 120 दिन के बाद ये यहाँ के खत्म हो जाएंगे. अगर ये सारे खत्म होते जाएंगे, क्या नमे भी प्रोड्यूस होते हैं? कौन प्रोड्यूस करता है? बोन मैरोज प्रोड्यूस करती है. ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ डब्ल्यूबीसी? क्रिएट्स इम्यूनिटी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन फाइटिंग विद द पैथोजेंस. ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कॉल्ड एज पैथोजेंस. एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. क्या है? व्हाट इज द स्पेशल रिक्वायरमेंट बाय विच दिस स्टार्ट्स? ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स. इंजरी तो होना ही है. डाइकटाइनिक आयंस. डाइकटाइनिक आयन जैसे मैग्नीशियम टू पॉजिटिव आयन लिखे नहीं हमने, तो यहाँ पे बेटा दैट इज द रिक्वायरमेंट. हमने ऑलरेडी करी है ये फ्लो चार्ट देखो अपना. ब्लड क्लॉटिंग में डाइकटाइनिक आयन इज अ रिक्वायरमेंट एंड देन If present, this will allow the thrombokinase. Platelets will secrete the thrombokinase, which converts the prothrombin into thrombin. Then thrombin converts fibrinogen into fibrin, which is a solubilized form of the protein present in the plasma. Solubilized protein present in the plasma. Fibrinogen soluble ही था. तुमने फिब्रिन बोला. फिब्रिन इज इनसॉल्युबल. ठीक है, फिब्रिन इज इनसॉल्युबल. सॉल्युबलाइज्ड इज फिब्रिनोजेन. आपकी बुक में ऐसे जितनी भी क्लासिफिकेशंस करी हुई है वो सारी अच्छे से करनी है आपने एनसीईआरटी में. ठीक है, अनदर क्लासिफिकेशन इज दैट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज. ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज जो है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉटर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में दो टिश्यूज आते हैं. कॉमन नेम फॉर द टिश्यूज, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर बोथ द टिश्यूज? वैस्कुलर टिश्यू.
transportation is possible because of vascular tissue, and vascular tissue is further of two types, that is xylem and phloem. What is the role of xylem? Transportation of water along with the dissolved minerals. And the vascular tissue, that is xylem, helps in the transportation of water along with the dissolved minerals. ठीक है, अब ये जो xylem है इसके भी further components हैं, चार components हैं, कौन कौन से हैं बताओ? Trachea is a windpipe. Very nice, very nice. This shows that you people are not reading your NCERT. Xylem vessels, second are the xylem tracheids. Xylem parenchyma. And fourth is xylem fibers. Done? ठीक है, अब इनमें से बताइए लिविंग कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं? Only parenchyma is living, बाकी सारे डेड हैं. Only parenchyma is living. अब ऐसे क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज भी है, प्लस आप लोग की नाइन्थ की नॉलेज है, प्लस आपकी बुक में भी गिवन है. सो ये चीजें तो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी पड़ेंगी. साइलेंट. हाँ जी, हाँ जी सर, यहाँ पे बताइए मेजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कौन हेल्प करता है? व्हाट इज द मेजरली इन्वॉल्व्ड कंपोनेंट विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन? वेसल्स. वेसल्स एक्ट एज द ओपन पाइपलाइन सिस्टम्स. ठीक है, वेसल्स जो हैं वो ऐसे पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, ओपन है थ्रू आउट, एंड टू एंड ओपन है, और ये कंडक्शन करते हैं अपवर्ड में. ठीक है, ये लिख लो, अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन करती है, दैट इज द वेसल. मेजर कंडक्शन इज मेड बाय वेसल. सिंगल डायरेक्शन है, दैट इज द एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन, अपवर्ड. और साइडवर्ड डायरेक्शन में कौन फ्लो करवाएगा मटेरियल? ट्रेकीज. ट्रेकीज हेल्प इन द कंडक्शन इन द साइड डायरेक्शन. ठीक है, सो साइडवर्ड फ्लो इज मेड बाय ट्रेकीज. व्हाट इज देन द रोल ऑफ पैरेन्काइमा? What is the role of parenchyma? Parenchyma is the tissue that which is only living. In charon mein living kaun hai? Kala parenchyma. This has nucleus. Nucleus acts as a brain of the cell. Par yahan ye kala act kar raha hai as the brain of the whole tissue. ठीक है, so parenchyma सारे की control and coordination में help करवाए. Done. Fibers क्या करेंगी then? Support, mechanical support, protection, ये सब कुछ fibers करेंगे. स्टोरिंग ये क्यों करेंगे? ये तो कंडक्शन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं. दे आर द ट्रांसपोर्टेशन यूनिट्स ना. ठीक है, सिमिलरली फ्लोएम हैज द फोर ऑफ द कंपोनेंट्स. व्हाट आर दोस? सीव ट्यूब, देन कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. ये दोनों सेम है. ठीक है, सेम कॉम्पोनेंट. अब इसमें बताओ लिविंग कौन है? फाइबर्स डेड है, ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, पर ये लिविंग और डेड दोनों है. ऐसा कैसे ये लिविंग और डेड दोनों है? This is because initially the seed tubes they were living. जब ये बनती हैं, tissues की development होती है, plant develop होता है, उस time पे ये living होते हैं. लेकिन उसके बाद जब ये develop होके अपनी एक stage ले लेते हैं maturity की, उसमें ये dead होते हैं.
अब आपको अगर क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग, ठीक है, अब लिविंग में आपको ये दे दिया, फाइबर्स दे दिया एंड प्लस दो और दे दिए, तो वहां पे कोई तो लिविंग हमने ढूंढना है, तो हम इसको लिविंग कंसिडर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेड, चारों दे दिए उनमें से एक ही आंसर सही होगा, तो फाइबर्स को डेड कंसिडर करेंगे, फिर इसको लिविंग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आपने आंसर के अकॉर्डिंग अपना जो भी ऑप्शन है उसको ढूंढना है, डन, ओके। अब इनमें से मेजर कंपोनेंट कौन है कंडक्शन ऑफ फूड के लिए, सीव ट्यूब्स जो है दे आर हैविंग द चैनल्स विच आर हिंडर्ड ऑल्सो, दैट इज रेगुलेटेड बाय, क्योंकि उनका एकदम फ्लो नहीं होता, फ्लो बाई डायरेक्शनल है, सो बीच में ये सीव प्लेट्स लगी होती है, प्लेट्स में पोर्स होते हैं, दीज आर द सीव पोर्स, ठीक है। सीव ट्यूब्स हेल्प्स इन बोथ द डायरेक्शनल फ्लो, दोनों बाई डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। जैसे ये मेन कंपोनेंट था जाइलम का वेसल्स, ऐसे ही सीव ट्यूब्स मेन कंपोनेंट है फ्लोएम का, डन, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट कंपेनियन सेल क्या करेगा, कंपेनियन सेल जो है लिविंग है, पैरेन्काइमा लिविंग है, यहाँ पे एक ही लिविंग था तो सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट पैरेन्काइमा करवा रहा था, वहां पे दो लिविंग है तो मेजर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंपेनियन की है, followed by the another that is parenchyma, and fibers they are dead tissues and they provide the support and protection, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी वाली भी प्लीज करिए अपनी एनसीईआरटी से, आपकी एनसीईआरटी में बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन बहुत सारा दिया है, उनमें से भी सारी जनरल नॉलेज आपने देखनी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, पैसिव इज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, ऑस्मोसिस ही है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर, अगर मेम्ब्रेन है तो वो ऑस्मोसिस है, अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो डिफ्यूजन है, पर जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। एटीपी जो है वो यूज होता है एक्टिव में, पैसिव में नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वो अपने आप होता रहेगा प्रोसेस, हाँ जी, दैट इज अगेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों कंट्रोल कोऑर्डिनेट कराते हैं, पर वो कंपेनियन है ना, कंपेनियन का मतलब क्या होता है, सही होगी साथ में, है ना, सो इट विल बी सपोर्टिंग मोर टू द सीपीयू, राइट। हाँ जी, लेसन आपकी एनसीईआरटी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में जितने बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन है वो भी अच्छे से पढ़नी है आपको, ठीक है। एंड योर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन लेसन, यू हैव फोर एक्टिविटीज, वन यू हैव परफॉर्म्ड दैट इन योर प्रैक्टिकल, दैट इज ऑफ KOH, ठीक है, रेस्पिरेशन वाली, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड थ्री एक्टिविटीज यू हैव डन फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आने हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी आपको स्टेप्स लिख के दे दिए, उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है, या सीक्वेंसेस में दे दिए लेकिन बीच में से कोई गलत है, वो गलत वाला आइडेंटिफाई करना है, वैसे तो सबके ही आएंगे, ठीक है, बायो के तो पक्का से आएंगे, राइट, बायो के तो श्योरली आएंगे। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, यस, एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू आस्क, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑल क्लियर।